टू आवर चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आए एक बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल जगह पे, जिसका नाम है वेस्ट टू वंडर पार्क, जो कि दिल्ली में है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके बनाई गई जगह है। और क्या था विवी स्क्वायर में वेस्ट टू वंडर पार्क के नाम से समझ में आ रहा है कि वंडरफुल आइटम्स यहाँ पर दिखाए गए हैं डिस्प्ले के लिए, जिसकी एंट्री फीस है 50 रुपीज़ पर है। पार्किंग अवेलेबल है, पार्किंग का कॉस्ट मुझे ध्यान नहीं, मैंने पर्ची लेके जस्ट रख ली है। और काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे। 7 मोनूमेंट जो है, जो हमारे जो हम किताबों में पढ़ते आए हैं बचपन से, 7 जो वर्ल्ड के वंडर्स हैं, वो यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं। ऐसा सबसे पहला पार्क जो है कोटा में बनाया गया है, वेस्ट वंडर पार्क, उसी के बेस पे जो टूरिज्म बूस्ट हुआ था, वहाँ पे एक मूवी शूट हुई थी बद्रीनाथ की दुल्हनिया, तो उसी के बेस पे वैसा ही रेप्लिका एक यहाँ पे बनाया गया है, जितने 7 मॉडल्स हैं वंडर्स हैं, और ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये हम जस्ट अभी एंटर कर चुके हैं। ये सामने आप देख सकते हैं गाड़ी रखी हुई थी, यहाँ पे कुछ लोग फोटो वगैरह क्लिक करवाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। यहाँ से एंट्रेंस है, देखें एक तरफ से एंट्रेंस है और एक तरफ से एग्जिट होगी, और वहीं जहाँ से आप एग्जिट करेंगे वहाँ पे एक कैफेटेरिया है, आप चाहें तो कुछ चाय नाश्ता ले सकते हैं। ये बोर्ड लगा था एंट्री का, ये हम सबसे पहले मॉन्यूमेंट की तरफ आ चुके हैं। ये है पिरामिड ऑफ गीज़ा, तो ये आपको पता होगा, थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। ये सबसे ओल्डेस्ट और सबसे लार्जेस्ट पिरामिड है गीज़ा में। गीज़ा पड़ता है बेसिकली कायरो, जो कि इजिप्ट की राजधानी है। ये 2600 BC में बनाया गया था। 2600 BC मतलब आप समझें कि 2600+2100 यानी 4700 साल पुराना ये मॉन्यूमेंट है। तो सोचें आप उस टाइम पर कितनी खूबसूरत चीज़ बनाई होगी। 4700 साल पहले ऐसी कोई चीज़ अगर इजिप्ट में, विदेश में बनी होगी, तो उसकी, उस मॉन्यूमेंट की तो एक अपनी ही कहानी होगी। अब मैं खैर वो पूरी डिटेल शेयर करूँगा तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। ये सेकेंड मॉन्यूमेंट है, देखिए आप यहाँ डिटेल्स दी हुई है। ये जो मॉन्यूमेंट है इसका नाम है लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा, तो ये भी है बहुत अच्छा मॉन्यूमेंट है। ये पीसा में है, जो कि इटली में है। ये इस तरह से लीन करता है, उसका रीज़न ये है कि इसकी जो फाउंडेशन है, जो नींव होती है, वो अनस्टेबल है। अब ये भी बहुत पुराने बनाए हुए हैं, तो उस वजह से, और इसको जब बनने में टोटल 200 साल लगे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये मॉन्यूमेंट इतना बड़ा तो नहीं लग रहा, जो कि 200 साल। इसका रीज़न ये है कि ये फेजेस में बनाया गया था, 3 फेज में बनाया गया था, और पूरी हाइट इसकी 56 मीटर्स है। और अब हम चलते हैं थर्ड मॉन्यूमेंट की तरफ। ये सामने देखते ही तो आप आराम से समझ गए होंगे किस मॉन्यूमेंट की बात हो रही है। ये हम आए हुए हैं अभी आईफिल टावर की तरफ, थर्ड मॉन्यूमेंट जो है, जो कि आप अच्छे से जानते हैं कि पेरिस में, फ्रांस में है। ये आईफिल टावर आपको पता होगा कि जिस कंपनी ने बनाया था, उसके जो मुख्य तौर पर जो इंजीनियर साहब थे, गुस्तावो आईफिल, उनके नाम पर ही इसे रखा गया है, आईफिल टावर। यहाँ पे मेरी वाइफ की बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ लेनी है, अभी मैंने उसके लिए रील्स वील्स बनानी है कुछ। ये जो है टॉलेस्ट मॉन्यूमेंट था अपने टाइम पे, 1889 से लेके 1930 तक। ये जितने भी वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है सारी चीज़ें यहाँ पे, और आप इसे देख सकते हैं जैसे सोलर पैनल यूज़ किए गए हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सारी चीज़ें सोलर पैनल से ही चलती हैं, कोई थर्मल पावर प्लांट वाली, वैसे जो हमारे घरों में जो बिजली आती है वो नहीं आती है यहाँ पे। जैसा इसका नाम से समझ में आ रहा है, वेस्ट टू वंडर, इन द सेंस कि वंडरफुल चीज़ें बनाई गई हैं फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट जैसे जो हम आमतौर पे फेंक देते हैं या कबाड़ी में डाल देते हैं, जो भी हम थ्रो अवे कर देते हैं, जिसकी यूटिलिटी नहीं होती है, वो सारी चीज़ों का प्रयोग करके यहाँ पे इस प्रकार ये बनाया गया है। आइए अगले मॉन्यूमेंट की तरफ हम बढ़ते हुए। ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये है कोलोसियम, जिसका एड्रेस होगा, ये रोम में है, इटली में। इसे बनाया गया था 80 AD में। ये बेसिकली एम्फी थिएटर है। एम्फी थिएटर के मायने ये होते हैं कि एक ओपन एयर वेन्यू, एक ओपन एयर थिएटर, जहाँ पे कि एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स या कुछ भी होता हो, मतलब जैसे आप समझें जैसे कि एक बड़ा सा ऑडिटोरियम जिसपे ऊपर छत ना हो। तो ये अपने टाइम पे बहुत ही फेमस चीज़ थी, बहुत अच्छी चीज़ थी, जिसकी कैपेसिटी एक कहा जाता है कि 50,000 से लेके 80,000, आप ऐसा समझ ले एवरेज के तौर पे 60-70,000 जो स्पेक्टेटर्स हैं, विजिटर्स हैं, इसके अंदर बैठ सकते थे। तो उस टाइम पे जब ये बनाया गया था, बहुत सालों पहले की बात है ये, तो उस समय जब ये बनाया गया था तो इसकी इम्पोर्टेंस अलग थी। नेक्स्ट हम आ चुके हैं, ये भारतीय लोग बहुत अच्छे से पहचान जाएंगे, ये है ताजमहल। और ताजमहल मुझे फ़ोटोज़ में उतना अच्छा नहीं लग रहा था, बट जब मैंने यहाँ आके विजुअली मेरे सामने आँखों से देखा तो यार बहुत सुंदर लग रहा था। पता नहीं फ़ोटो में मुझे इतना खूबसूरत क्यों नहीं लगा ये। ये भारत में है, आगरा में, आप अच्छे से जानते होंगे, मुग़ल आर्किटेक्चर, मुमताज़ महल के लिए बनाया था उनके हस्बैंड, उनके शौहर शाहजहाँ साहब ने। और ये है ताजमहल, मुझे को सबसे अच्छा पार्ट लगा, जो अभी तक जितने मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे बनाए गए हैं उन सब में अच्छा लगा ताजमहल, क्योंकि इसमें तो इसमें ज़्यादा बारीकी का काम किया गया है और बहुत ही मतलब अच्छा था।
आइए अगले मॉन्यूमेंट की तरफ बढ़ा जाए। अब ये आप सामने देख पाएंगे क्राइस्ट द रिडीमर। ये आप अच्छे से जानते होंगे कि ये रियाओ डी जनेरियो ब्राज़ील में पड़ता है, जो कि पहले एक टाइम पे ब्राज़ील की राजधानी हुआ करती थी, आज तो खैर ब्राज़ीलिया है। ये 1922 से 1931 में बनाया गया था। और अभी हम बढ़ते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ। ये डिटेल्स दी हुई हैं हर मॉन्यूमेंट के बारे में ना, ये डिटेल्स दी हुई हैं, यही मैंने पढ़ के नोट कर ली थी और यही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी हूँ और आपको मुझे सब इन चीज़ों का इल्म है और मैं बताया जा रहा हूँ, मैंने भी पढ़ा है और उसके बाद आपसे ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। अभी हम पहुँच चुके हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये सारे स्पेस मुझे अच्छे लगे, इनमें बहुत सारी डिटेल्स भी दी गई हैं, जैसे वुडन वर्क यूज़ किया गया है। वैसे तो सारे मेटल के बने हुए हैं, पर कहीं कहीं कुछ कुछ पार्ट्स में यूज़ किया गया है। वैसे तो यहाँ पे कैंटीन भी है, बट क्योंकि मेरी तो डाइट चल रही है तो मैं तो अभी कुछ खा भी नहीं रही हूँ, और ना ये शायद ब्रांच खा रहे हैं, तो बस मेरे ख्याल से हो ही गया ना स्पेस ये। हाँ बस हो गया, बस यहीं से एग्जिट भी आ गई है कि देखिए। बस वैसे इस जगह घूमने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है आपको, मैक्सिमम हाफ एन आवर या 45 मिनट्स भी, अगर आप बहुत अच्छे से वीडियोस भी बनाते हो, फोटोज़ भी क्लिक करते हो, तो अभी आपको मैक्स 45 मिनट्स to 1 आवर लगता है। तो लेकिन बहुत ही अच्छा स्पेस है, इवन ज़्यादा कॉस्टली है और बहुत फोटोजेनिक जगह है, तो आप आइए। बच्चे अगर आप लेके आते हो तो और अच्छा। नहीं इवन बच्चों के लिए क्या, मतलब हर एक एज का इंसान आ सकता है, क्योंकि बहुत अच्छी जगह, मतलब एक बहुत अच्छा स्पॉट था, हमको बहुत मज़ा आया। अभी चलते हैं हम कहीं और। भाई कितना तो फोटो लेते हो। ये वाला पॉइंट तो हमारा हो गया, हमको बहुत मज़ा आया। एक्चुअली काफ़ी दिन से ना हम दिवाली की साफ़ सफाई में इधर उधर बिजी थे, तो काफ़ी दिन से हम कहीं बाहर नहीं गए थे, तो सोचा कि आज थोड़ा सा चेंज के लिए थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, क्योंकि अभी दिवाली भी आने वाली है, तो 2-4 दिन में फेस्टिवल्स बिगिन हो जाएंगे, तो रोडों पर भी काफ़ी भीड़ हो जाएगी, तो हम कहीं जा भी नहीं पाएंगे। तो इस वजह से सोचा कि आज एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और कहीं बाहर चलते हैं। आज वैसे सैटरडे है तो छुट्टी का दिन है, तो आराम से हम बाहर आए इंजॉय करने। तो अभी यहीं पे पास में एक शांति स्तूपा स्पॉट भी है, बिल्कुल पास में ही है, विदिन 1 किलोमीटर, तो हम वहाँ भी जाएंगे। एक्चुअली इन सभी जगहों पे आने का ये फ़ायदा हो जाता है कि आपके अच्छे बहुत सारे रील्स वीडियोस बन जाते हैं, और एक चेंज के लिए हम काफ़ी टाइम से दिल्ली में भी नहीं कहीं गए थे घूमने के लिए, एक तो एक वो भी चेंज हो जाता है। एक मॉन्यूमेंट हम देख के अभी हम सेकंड स्पॉट की तरफ बढ़ चुके हैं। ये मैं पहले आपको दिखा दूं इसकी पार्किंग। पार्किंग सफिशिएंट है, अच्छी है, और मैं गूगल मैप्स पे खैर देख के ही चला था। ये आप टाइमिंग वगैरह देख लें आके, सवेरे 5 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक हम आए हुए हैं इंद्रप्रस्थ पार्क, या फिर इसे मिलेनियम पार्क भी कहा जाता है। इसके अंदर एक बड़ा प्यारा मॉन्यूमेंट है, ये बाहर से देखें आप, ये लिखा हुआ है साफ साफ इंद्रप्रस्थ पार्क। ये यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है, और यहाँ पे कोई खैर इस तरीके की टिकट विकेट नहीं आपको लेनी पड़ती है, आप जस्ट एंटर करें। यहाँ पे सवेरे और शाम को आपको मॉर्निंग वॉकर, इवनिंग वॉकर दिखेंगे। सैटरडे संडेज़ को फैमिली आती हैं, वो अपनी मस्तियाँ करती रहती हैं। ये आपने देखा भी, भारत का झंडा लहरा रहा था, इंडियन नेशनल फ्लैग। ये डिटेल्स दी हुई हैं कुछ पार्क के बारे में। मैं बता दूं, ये इंद्रप्रस्थ पार्क या मिलेनियम पार्क जो है, ये आउटर रिंग रोड पे पड़ता है दिल्ली की तरफ। वो आप सामने जो सफ़ेद कलर का मॉन्यूमेंट देख पा रहे हैं ना, वहीं देखना है मुझे। ये फूड कोर्ट है, खाना पीना अगर आदमी थक जाए, क्योंकि पार्क में आप फैमिली के साथ आते हैं, या खैर आप अकेले भी आएँ, कुछ थोड़ा भी आप टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ी एनर्जी जब कंज्यूम होगी तो भूख तो लगनी लाजमी है। पार्क है, भगदड़ होगी, खेलना कूदना होगा, मौज मस्ती होंगी। तो ये आप सामने देख पा रहे हैं, मुझे यहाँ आना था और आज मैं आ गया, मुझे देखना था इसको, बहुत दिलचस्पी थी मुझे देखने की। ये आप देख पा रहे हैं सामने, ये है शांति स्तूपा। ये एक बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है, बौद्ध धर्म जो है उनका मॉन्यूमेंट है। ये एक सिंबल है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, आपसी भाईचारा और पीस, अमन अमन शांति आपसी भाईचारे का ये प्रतीक है ये जो मॉन्यूमेंट।
ये जो है दलाई लामा साहब जी ने इनॉग्रेट किया था इसको 4 नवंबर 2007 की बात है, आज से 14-15 साल पुरानी बात हो गई। ये मेन जो एंट्रेंस है यहाँ से हमने एंट्री की है और पूरा ग्रीन है, कंप्लीट ग्रीनरी है यहाँ पे, बहुत अच्छा है। अंदर आप नहीं जा सकते इसके, ये लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ कि आप अपने फुटवेयर, जूते, चप्पल वगैरह जो भी है आप यहाँ उतार दें। मैंने अपने फुटवेयर यहाँ उतार दिए हैं और अब हम चलेंगे ऊपर। ऊपर जस्ट इसका एक सर्कल आप ले सकते हैं, ये बोर्ड है, इस पर डिटेल्स है, जानकारी है। इसकी हाइट लिखी हुई थी 30 मीटर और इसका डायमीटर लिखा हुआ था 37 मीटर। 30 मीटर मान लीजिए आप 100 फीट हो गया अंदाजन, और 37 मीटर मान लीजिए 120 फीट के बराबर हो गया। पहले दिल्ली सरकार ने ये सोचा था कि इसे बुद्ध जयंती पार्क में बनाया जाए, लेकिन बाद में इसको यहाँ बनाया गया। अब आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ये है शांति स्तूपा, और एक चीज़ होती है सांची स्तूपा, वो अलग है, वो मध्य प्रदेश में है, सांची में, भारत का सबसे पुराना, वो एक अलग चीज़ है। ये है शांति स्तूपा, बहुत सुंदर है, लेह लद्दाख में भी है ये। आपने अगर मतलब ट्रैवल की शौकीन होंगे तो शायद आपको पता होगा। ये जगह इतनी सुंदर है, इतनी साफ सुथरी क्लीन जगह है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। इवन आसपास इतनी वेल मेंटेन्ड है और इतनी शांति है, मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगा। हमने बहुत सारे स्पेसेस देखे हैं लेकिन अभी तक हमने कोई भी सांची स्तूपा नहीं देखा था, बट अच्छा लगा देख के। अभी तो ये स्पेस अंडर कंस्ट्रक्शन है तो बहुत सारे एरियाज अभी ओपन भी नहीं हुए हैं, जैसे कि पीछे वाला स्पेस है जो भी बन रहा है, और उधर भी बहुत सारी ये बुद्धिज्म के रेप्लिका वाली चीज़ें हैं, बट अभी क्योंकि प्रॉपरली बना नहीं है, काफ़ी टाइम से ये जगह बन रही है लेकिन अभी भी कुछ कुछ फिनिशिंग टचेस रहते हैं, तो जैसे वो फिनिश हो जाएगा तो ये जगह और भी बहुत अच्छी हो जाएगी। हमको तो ये जगह बहुत अच्छी लगी है, एक सैटरडे का बहुत ही अच्छा यूज़ हुआ, थैंक यू बेबी आप मेरे को इतनी अच्छी जगह लेके आए। एक्चुअली मेरा एक दो दिन से घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, बट क्योंकि मैं चीकू ने बोला कि नहीं नहीं चलते हैं चलते तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तो हम आए। फूड कोर्ट वहाँ से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, वही जल्दी से चल लो इससे पहले मैं अपनी डाइटिंग ख़राब कर लूँ। एक्चुअली मैं पिछले 3-4 डेज से काफ़ी स्ट्रिक्ट डाइटिंग चल रही है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, तो इसकी वजह से मैं बिल्कुल नहीं खाने वाली हूँ। मेरी कोशिश यही है, इवन मैं तोड़ दूँ उसके पहले, जल्दी से मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से। हम काफ़ी दिन से हम प्लान कर रहे थे ये दोनों स्पॉट्स ना एक्चुअली करीब में ही आसपास, तो इस वजह से ज़्यादा दिल था यहाँ आने का। हाँ। और आज वही है कि कभी अचानक से प्रोग्राम बनते हैं, और बताए सैटरडे संडेज को इन जगहों पर आने का बहुत अच्छा होता है, लोग अपनी फैमिली के साथ आए होते हैं पिकनिक मनाने, इतना अच्छा लगता है देख के कि हमारा भी दिल करता है वाह कितना अच्छा स्पेस है। और अभी तो क्योंकि वेदर भी बहुत अच्छा हो चुका है तो काफ़ी अच्छा लगता है आजकल ना। आप शाम के टाइम आ सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो अपनी फैमिली के साथ, एक वेल क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। ये जो जगह थी ये दिल्ली के बिल्कुल दूसरे कोने में थी और हमारे घर के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हम आ तो बिल्कुल ठीक टाइम पे गए थे, अराउंड 2 o'clock आए थे, तो हमको ज़्यादा ट्रैफिक नहीं लगा, बट अभी क्योंकि 5 बजने वाले हैं तो वी जस्ट होप कि हमको ज़्यादा ट्रैफिक ना लगे, क्योंकि अभी फेस्टिवल टाइम भी चल रहा है तो दिल्ली में ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है, और कई सारी जगह रोडों पर एक्चुअली काम भी चल रहा है तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, तो देखते हैं कि घर जाने का स्ट्रगल क्या रहने वाला है। वैसे टच वुड आज हमको कोई ज़्यादा खास ट्रैफिक लगा नहीं, वैसे तो शाम का टाइम हो चुका है, बट फिर भी हम थोड़ा बचते बचाते ट्रैफिक से आए हैं। तो इसी के साथ बस मैं आज का ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, और इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में भी होने वाला है दिवाली का ही, दिवाली की प्रिपरेशन का, शॉपिंग का और दिवाली सेलिब्रेशन का। तो सी यू इन आर नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर वीडियोज़, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, लाइक एंड कमेंट।